अभी आग डालने के लिए, अभी जलने वाली है 12 बजे। लाल कलर मिला है, ये लोग लाल है। फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर हो रही है और अभी यहाँ पे मैं खोया, मार्केट का खोया है, तो उसको एक बार और अच्छे से भूंज रही हूँ, जिसकी वो ना थोड़ा सा वाइट वाइट कलर में आता है, तो मैं इसको ब्राउन कलर दे रही हूँ कि जिससे गुजिया जो है ना काफ़ी दिन तक चले, ख़राब नहीं होए। तो भुन चुका है, बस अभी थोड़ी देर में एक आधी घंटे में मैं गुजिया बनाने की तैयारी करूँगी। और आज है दिन मंगलवार और आप सभी को हैप्पी होली। होली कल खेली जाएगी और शाम को मैं पूजा करने जाऊँगी होली की, क्यों गुजिया वगैरह ही चढ़ती हैं ना, तो गुजिया वगैरह सब लेकर जाऊँगी होली पर। तो बस अभी खोया ही भूंज रही थी मैं, हो गया है हल्का हल्का ब्राउन कलर में आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ब्राउन कलर में आ गया है और इसको मैं निकाल के एक थाली में रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए, तो जो है ना गुठली सी ना बने। और बच्चे दोपहर में चले गए थे बाजार, मार्केट, रंग और पिचकारी वगैरह लेने के लिए, तो ये अभी मार्केट जा रहे हैं बच्चे, और ये इनके साथ गए थे, तो इन्होंने बोल रहे थे बच्चे कि चलो पापा हमें दिलवा दो पिचकारी वगैरह, तो हमारे ख्याल में सभी क्या दुकानों में गए थे और ये सब पिचकारी कलर वगैरह लेकर आए हैं। और यहाँ पे मैंने तो उसी टाइम जब खोया भुना था ना, उसी टाइम मैंने आलू उबलने रख दिए थे, आलू उबल गए, उसके बाद मैंने ना मठा के आलू, थोड़ा सा दही रखा था घर पे, तो मैंने मठा के आलू बना दिया था, मैं दोपहर में भी बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पे किचन पूरा क्लीन कर दिया है एक बार, क्यों बाद में तो फैलेगा, लेकिन अभी ये कि साफ सुथरा कर दो ना तो काम करने में मजा आता है, अच्छा रहता है। काम कंप्लीट हो गया है, अब मेन काम रह गया है करने के लिए, और मैं सुबह से काम कर रही हूँ, बहुत कुछ तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया और अभी तैयार नहीं हुआ, अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि और आज जल्दबाजी का काम है ना, तो इसलिए स्टैंड नहीं लगाए, हाथ में पकड़ पकड़ के रिकॉर्ड कर रही हूँ सारा कुछ। अभी दूध रखा है सिर्फ उबलने के लिए, और आलू उबल गए हैं, और गुजिया उजिया सब बनेगी, कचौड़ी बनेगी, और सारा काम बाकी है, जो मेन काम होता है गुजिया का वो अभी बाकी है, तो वही अभी होके फिर उसके बाद आपको। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये वाला ब्लाउज मैंने मीशो से मंगवाया था, तो वो वाला डाला है। और अभी शाम हो रही है और 6 बज रहे होंगे शायद, अभी देखी नहीं है मैंने घड़ी, और अब मैं जा रही हूँ गुजिया बनाने के लिए। अभी थोड़ी सी बनाऊंगी सिर्फ पूजा के लिए, और कचौड़ी भी थोड़ी ही बनाऊंगी, कचौड़ी अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद बनाऊंगी मैं सारी, और गुजिया मैं रात में बनाऊंगी वही 9-10 बजे के आसपास। अभी सिर्फ पूजा का सामान मुझे बनाना है, क्योंकि अभी हमारे मंदिर के पास होली जलने वाली है, थोड़ी देर में जल जाएगी, थोड़ी देर में नहीं 12 बजे जलेगी, तो अभी सब पूजा कर रहे हैं वहाँ पे, पूजन करने जा रहे हैं, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ गुजिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू ही छील रही हूँ, क्योंकि मैंने कचौड़ी का ना भरता बनाना है पहले, तो भरते में वैसे नॉर्मल के मसाले डाले हैं, जो नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ऊपर से डाल दिया मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो भरता रेडी हो जाएगा। मतलब एक के बाद एक मैं सारे अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करती जा रही हूँ। और उसी के बाद मैंने लगा लिया कचौड़ियों का आटा, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है, इससे ना खस्ता बनती है कचौड़ी, और उसको फिर पानी से गूंद लिया है, तो भरता बन के उधर रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने आटा भी लगा लिया है और थोड़ा सा टाइट अभी लगाया, उसको पूड़ियों के लिए निकाल दिया, और फिर उसी में से आटे को मैंने थोड़ा सा लूज कर लिया, क्योंकि पराठे वाला आटा जैसे ही लगता है, कचौड़ियों का आटा थोड़ा ढीला लगता है। तो 3 ये आइटम बन के तैयार हो गए, कचौड़ी, पूड़ी और आलू का भरता हो गया। उसके बाद मैं घिसने लग गई यहाँ पे गरी, गुजिया बनाने का जो मुझे बनाना था ना, क्या कहते हैं, खोए का सारा मिश्रण जो बनाना था, तो छोटे वाले ना कद्दूकस से घिस नहीं रही थी, वो छोटा छोटा निकल रहा था, तो बड़े से घिस ली। और बीच में फिर शाम हो गई थी, तो फिर बोल रहे थे ये भी आ गए थे गोदाम से, तो कह रहे चाय बना लो थोड़ी सी, तो मैंने कि चलो चाय बना देते हैं, फिर उनके लिए लग गई मैं चाय बनाने के लिए, इसी बहाने मैंने भी पी ली, वैसे काम में लगी रहती तो नहीं पीती। और यहाँ पर हमारी बन गई है चाय बन के सबको दे दूंगी, और अभी बना लेते हैं हम अपना खोए में डालने वाला गुजिया के अंदर का जो डो होता है मिश्रण, वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली थी चिरौंजी, किशमिश और गरी और थोड़ी सी इलायची, तो ये सब कुछ इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इलायची को मैंने ऐसे कूट लिया है, और उसके बाद उसके सारे दाने निकाल के अच्छे से बारीक कूट के फिर उसमें मिक्स कर दिया है। और ये बूरा लिया है जो पिसी चीनी होती है वो, तो उसमें मैं थाली में निकाल लिया, जिससे गुठली उठली सब एक जैसी हो जाए, मतलब गुठली ना रहे, और इसको मिक्स कर देंगे, और सूखा सूखा रहता है ना तो अच्छा बनता है,
गुजिया के भरने वाला जो अंदर वाला होता है, और अगर वो ढीला ढीला हो जाए ना तो सारी जब भी आप सेकेंगे ना तो गुजिया पूरी फैल जाती है। और मिक्स हो गया, उसके बाद मैंने ले ली गुजिया की आटा, मतलब गुजिया बनाने वाला मैदा। तो उसमें मैंने मैदा छान लिया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया रिफाइंड मोइन के लिए, थोड़ी सी ना नरम रहे इससे ये होता है। और उसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने गुनगुना दूध डाला है इसमें, और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मेरी गुजिया बहुत अच्छी बनती है तो बाकी मैं कुछ चेंजेस नहीं करती। और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब दूध से पहले गूंद लेते हैं फिर बाद में जितना कम रहेगा तो गर्म पानी डाल देते हैं। तो और वो जो घोल बनाया था कटोरी में वो मैंने गुजिया बांधने के लिए बनाया था। और यहाँ पर रिफाइंड डाल दिया मैंने कढ़ाई में, रिफाइंड में बनाते तो अच्छी लगती है। और अभी जा रही हूँ गुजिया भरने के लिए, तो ये सारी पूजा पूजा की चीज़ें बना रही हूँ मैं। अभी 7 गुजिया पहले बना दी, 7 कचौड़ी, 7 पूड़ी और ऐसे करके। तो ये देखिए गुजिया बनके हमारी तैयार हो गई है, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा बनाया है पूजा भरे के लिए, और पूजा हो जाएगी उसके बाद फिर मैं सारा खाना बना लूँगी। तो मेरे तो हर साल मैं ऐसा ही करती हूँ, तो वैसा ही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए गुजिया में कितना ऊपर से ना डॉट 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 से हो गया, तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो मैदा है ना वो बहुत अच्छे से गूंदी हुई है। अगर उसमें फुदकिसी बन जाए ना तो अच्छा रहेगा। और एकदम खस्ता बनी थी गुजिया। और यहाँ पे अभी मैं पूड़ी बेल रही हूँ, तो पूड़ी भी बन जाएंगी, कचौड़ी भी बन जाएंगी, गुजिया भी बन जाएंगी, और जो झार और चिप्स बनाए थे वो भी सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा की थाली तैयार हो जाएगी। और अभी मैं भर रही हूँ कचौड़ी। कचौड़ी को ना मैं ऐसे हाथ से ही बेलती हूँ, थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लेती हूँ और ऐसे उंगलियों से थोड़ा सा फैला फैला के, तो ऐसे कचौड़ी बनाती हूँ। तो ये बहुत खस्ता कचौड़ी बनती है, और ऐसे ही मैं सारी कचौड़ी बना लूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी से कचौड़ी बनके तैयार हुई है। और यहाँ पे जो मैंने उस दिन चिप्स और झार नहीं बनाई थी चावल की, और वो चिप्स बनाए थे, तो वो भी मैं सेक रही हूँ। तो हमारे क्या होता है कि जितना भी हम अपना बनाते हैं ना सामान वगैरह, जो जो बनेगा आज की रसोई में वो सारा सामान चढ़ता है होलिका माता पे। तो जो जो मैं बनाती हूँ तो वही सारा कुछ लेके जा रही हूँ। थाली बिल्कुल तैयार हो गई है पूजा की। यहाँ पे जितना भी मैंने सामान बनाया था सब ले लिया, धूप ले ली है, कलर ले लिया है, और यहाँ पे ये है माचिस वगैरह। और ये जो मंगाई थी ना बल्ली, इसे बोलते हैं जो उपले होते हैं ना, वो वाले भी ले लिया है, जल ले लिया है, कलर ले लिया है। अब चलते हैं पूजा करने के लिए जहाँ पे होलिका जलने वाली है। तो चलो ढाक लेते हैं फिर चलते हैं। जल ले लेते तो। चलो मैं चल। एक रेड कलर की आंटी थी मुझे इसको लगा मम्मी जा रही है, तो मैंने यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी पूजा, और वैसे रीति रिवाज के साथ होती है ना वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लेडीज ही है, अभी सब लोग पूजा ही करने आई हुई हैं। तो जैसे जैसे उनके सास वगैरह बताती होंगी तो उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो मुझे जैसा बताया गया है तो उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है मॉल का। तो मैंने उपले नहीं बनाए थे जो गोबर से बनते हैं ना, मतलब जो क्या बोलते हैं बल्ली बोलते हैं ना, वो नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सब मिल जाता है मुझे। तो अभी मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, और भी बहुत सारी औरतें आ गई हैं, तो वो सब लोग दिया धूप और जितना भी उनके घर में सामान जो भी बना है ना, शाम को रात को जितनी भी कढ़ाई बनी है वो सब चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुजिया चढ़ा दी, पूड़ी चढ़ा दी, कचौड़ी चढ़ा दी, चिप्स पापड़, और उनको कलर भी लगा दूँगी अभी। तो सबसे पहले जो होली खेलते हैं हमारे में वो होलिका माता से खेलते हैं, उसके बाद ही हम लोग अपने कलर लगाते हैं, उससे पहले हम लोग कलर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे कलर लगा दिया है माता जी को, और को वो भी लगा दूँगी, टीका भी लगा दूँगी, और जो धागा रखा है ना वो फिर यहाँ पे बांधते हैं होलिका माता पे ऐसे करके। तो ये होलिका माता जो जलाई जाती है वो प्रहलाद के वजह से होता है। आप लोगों को सबको पता ही होगा कि प्रहलाद को गोदी में लेके होलिका माँ बैठी थी, तो अग्नि उन्हें था कि मुझे कोई जला नहीं सकता, लेकिन प्रहलाद को पता था कि वो विष्णु भगवान को मानते थे ज़्यादा, तो उनकी भक्ति के आगे ये बुराई जल गई। तो इसी तरीका से वो जलती रहती है, तो हर साल ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैं चक्कर लगा रही हूँ, अभी जल चढ़ा रही हूँ,
दो चक्कर लगा लिए थे और इतना रश था, बहुत ज्यादा रश होता है, हर साल ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे दो चक्कर पूरे हो गए हैं लगाने के लिए। आप 7 भी लगा सकते हो, 11 भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने 2 ही लगा लिए। और यहाँ पे जितना मेरा धागा था ना, वो मैंने इसमें लगा दिया। और परी गई है अभी दर्शन करने के लिए, दर्शन कह रही हूँ, पूजा करने के लिए, माथा टेकने के लिए। और ये देखिए, मंदिर के सामने ही हमारे घर के थोड़ी सी दूर पे ही है होलिका माँ का लगती है। तो सभी लोग ऐसे ही, और हम लोगों ने सब ने दर्शन किए उनके, ऐसे ही पूजा पाठ किया, जैसा हम लोगों को समझ में आता है ना वैसा मैं करती हूँ। को मैं बताऊँ, जैसा जैसा मुझे बताया गया है ना उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ घर पर, और हमारी गली के बच्चे कुछ ज़्यादा ही फ़ोन में घुसते हैं, अभी आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं घर जा रही हूँ और देखने ये क्या करते हैं। और वहाँ से आके फिर मैंने मंदिर में भी पूजा कर दी, और कान्हा जी को भी कलर लगा दिया, जितने भी मेरे मंदिर में देवी देवता बैठे हैं मैंने सबको कलर लगा दिया। तो ऐसे मैंने भगवान जी के साथ भी होली खेल ली, उसके बाद फिर हम लोग आपस में कलर लगाएंगे। लाल कलर लाल है, लाल है, अरे है लाल कलर, अरे पन्नी रखी है लाल कलर निकाल रहा है। अरे अरे लाल कलर होता होली तो कल है, आज भी है, हमने होली खेल ली। हैप्पी होली आप सभी को, हैप्पी होली आप सभी को। सब लोग अच्छे से है होली मनाए, खुश रहे और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, फैमिली पूरी साथ रहे, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे होली खेली, आज छोटी सी होली है ना, तो थोड़ा सा खेला है, कल खेलेंगे ज्यादा होली। 1, 2, 3 लगा 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 दुआ लगा इसका सामान दे। त्योहार में ये घोड़न से मैच हुए ना, घोड़न जैसा ही आशीर्वाद उसे देगा। सामान दे यार, नहीं दे तो मजा आएगा। गुजिया कचौड़ी पापड़, मम्मी चाय गरम करना, पापा की चाय गरम करना, कैसी बताओ। गुजिया खा के देखो पहले कैसी है। भगवान जी ने भी फीका खा लिया, मिर्ची वाले कचौड़ी खाई क्योंकि चख नहीं सकते ना, पूजा करने की ना इस वजह से। हाँ जा रही जा रही। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह सब मैंने बना दिया है और अब मैं जा रही हूँ अपनी रील शूट करने के लिए। और सभी लोगों ने रील शूट कर ली होगी, एक मैं ही एक ऐसी बची हूँ जो अभी तक ना तो मेरी रील शूट हुई है ना ही मेरा शॉर्ट शूट हुआ है। मैंने एक भी रील शूट नहीं किया होली वाली, तो बस मैंने ऐसे गेटअप किया है, बस थोड़ा नेकलेस पहना है, थोड़ा नहीं पूरी पहन लिया है, नेकलेस पहना है, झुमके पहने, टीका लगा लिया है। तो मैं जा रही हूँ अपनी रील शूट करने के लिए, क्योंकि अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट आप बनाओ तो अपडेट रहना ज़रूरी होता है, तभी वो ग्रो करता है। तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको बता दूंगी और डाल भी दूंगी, स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि क्या आईडी है मेरी। और मैंने ऐसे साड़ी तो वही है जो आपने पहले देखी थी, वही पहन रखी है, बस ऐसे कलर वगैरह थोड़ा सा उस टाइम मैंने खेला था ना उनके साथ, तभी का लगा हुआ है और मैं तैयार हो गई हूँ ऐसे करके। तो मैं थोड़ी देर में रील शूट करने जा रही हूँ होली वाली।
हमारी होली रील्स भी बन गई पूरी होली की, और हालत देखिए कैसी हो गई, पूरे में कलर ही कलर भर गया है। बस अब साफ करने जा रहे हैं, देखिए जमीन पे पूरे में कलर ही कलर है। थोड़ी बहुत रील्स बनी है, वो इन लोगों ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, सब मेरी आंखों आंखों में रील्स पानी ओ क्या बोलते कलर भर दिया था एकदम से। कुछ ऐसी रील्स थी ना जिसपे कलर उछालना था, तो मैंने बोला था ऐसे ऐसे डालना, तो हो नहीं पाया, तीन चार ही बन पाई, ज्यादा नहीं बन पाई मैं बना पाई। हाँ वो जुकाम लगाना इस वजह से, सर देखना कैसे हो कर दिया है। तो थोड़ी सी रील्स बनी मेरी, कल बनाऊंगी और ज्यादा वाली, और अभी बस समय चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि इन कपड़ों में मेरे काम नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यही पर रखते हैं अपनी वीडियो को, कल का अलग से शूट होगा, कल है मेन होली बुधवार को, और टेक केयर एंड बाय बाय। रात काफी हो गई, 10 बजने जा रहे हैं। बाय, हैप्पी होली, हैप्पी होली आप सभी को। रील्स भी बन गई हमारी और वीडियो भी शूट हो गई, अब यूट्यूब वीडियो एडिट होगी, उसके बाद कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी होली आप सभी को। तो टाइम हो रहा है अभी 11 का, और यहाँ पर मैं और खुशी दोनों बना रहे हैं गुजिया, और फिर उसके बाद 12 बज गए थे क्योंकि 12 बजे ही जलनी थी ना, मंगलवार को जला नहीं सकते होली, तो मैं हम सब लोग ही गए थे होलिका दहन में शामिल होने के लिए। ये होकर कितनी भीड़ आई, और यहाँ पे होलिका जल गई, और यहाँ पे ये देखिए खुशी के पापा डाल रहे हैं आखत, और हम लोग आखत ही बोलते हैं इनको, जो इसमें गेहूं भूजा जाता है ना उसी को फिर खाया जाता है, मतलब थोड़ा सा खाते हैं, शगुन होता है। और होलिका मैया बहुत अच्छे से जली थी, बहुत ज़्यादा, सभी लोगों को ना लाल गाल हो गए थे, बहुत सेका लग रहा था, और पब्लिक इतनी जमा हो गई ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने वेट किया था होलिका माता का। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और वहाँ से आके फिर मैंने बना ली गुजिया, तो ये देखिए मेरी पूरी गुजिया बनके तैयार हो गई है। बाय बाय फ्रेंड्स।